हेलो बच्चों, दिस इज आरजी वेलकमिंग यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के पार्ट तक पढ़ चुके हैं। क्लियर? आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। बट बिफोर मूविंग टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, हम उसका फॉर्मूला बनाएं, उससे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है वो मेटालिक कंडक्टेंस से कैसे अलग है। आई होप सबने इलेक्ट्रोलाइसिस के पार्ट तक क्लियर कर लिया होगा। नहीं किया तो यार जल्दी से क्लियर कर लो, बराबर आ जाओ। लेट्स हैव इट। द डिफरेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, फाइन, पार्टीशन बना लेंगे। एक साइड हमारे पास है मेटालिक कंडक्टेंस एंड सेकेंड साइड है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। हमारे लिए जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो ये वाला है, पर इसके साथ रिलेशन बना के हम इस चीज को थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर लेंगे कि ये क्या चीज है। क्लियर? तो मेटालिक क्या है? मेटालिक कंडक्टेंस है मेटल्स के अंदर कंडक्टेंस। क्या मेटालिक कंडक्टेंस क्या है? मेटल्स के अंदर कंडक्टेंस। अब आपको याद हो मेटल्स में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल याद है? क्लास 11th में भी पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, नहीं तो 12th में भी सॉलिड स्टेट में आता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो होता क्या है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में कि पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स आर फिक्स्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में पड़े हैं। फाइन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन सी मॉडल? क्या फुल डिफाइन कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल को कि पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स आर फिक्स्ड इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स पड़े हैं। क्लियर? अब ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं ये मूव कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं, तो हमारे लिए कंडक्टेंस पैदा करते हैं। दिस इज हाउ मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, बिकॉज यहां से मतलब अगर कनेक्ट कर देंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इज दैट क्लियर? यानी कि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो चार्ज कैरियर्स बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करो यहां पे कुछ सोर्स लगा हुआ है तो कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, बेसिकली कौन मूव कर रहा है, कौन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को पूरा कर रहा है वो है आइंस। यहां पे यानी कि चार्ज कैरियर्स क्या है? आइंस। देखो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो आयंस हैं, जबकि मेटल्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना? हमें इन डायग्राम से ज्यादा मतलब नहीं है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर आयंस जो है वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूं यहां पे कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा है, नो केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस। यहां पे कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा है यार, क्यों? क्योंकि देखो यहां से कनेक्टेड होता है, यहां से नेगेटिव आया और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सीधा फ्लो कर गया बस, और कुछ भी नहीं हो रहा, बीच में से निकल गया बस, नथिंग एल्स। अब यहां कोई केमिकल चेंज हुआ है, जबकि यहां पे क्या होता है? केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। किस तरीके का केमिकल चेंज? यहां ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन होता है, आयंस एक साइड से मूव करते हैं दूसरी साइड पे जाते हैं, एक जगह से रिलीज होता है दूसरी जगह डिपॉजिट होता है। यहां तो केमिकल चेंज हो ही रहा है, जबकि यहां कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इस चीज को हम ब्रीफली लिखेंगे पर एक बार के लिए क्लियर होना चाहिए। क्या
यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप के केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जबकि यहाँ ऐसा कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, नथिंग एल्स। क्लियर? अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। जब यहाँ कोई केमिकल चेंज ही नहीं आ रहा तो अल्टीमेटली कोई भी मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, नो ट्रांसफर ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन आया फ्लो करके चला गया, जबकि यहां क्या है, मास ट्रांसफर हो रहा है, एनोड से ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे जाके रिड्यूस हो रहा है, वहां से रिलीज हो रहा है, वो मास ट्रांसफर होके कहीं और जा रहा है, एक जगह से रिलीज हो रहा है, दूसरी जगह डिपोजिशन हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है। देखो आयन मूव कर रहा है, आयन का तो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास हम लेते हैं नेग्लिजिबल। क्लियर? आयन का तो मास है, यानी कि यहां ट्रांसफर ऑफ मास टेक्स प्लेस, यहां मास ट्रांसफर हो रहा है। इज दैट थिंग क्लियर? बिकॉज आयन हैज मास, कोई दिक्कत? बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। क्लियर? एंड फोर्थ पॉइंट बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस। इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्टेंस किसका है? सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स का। इन पर्टिकुलर आयन को, ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव करना चाहते हैं, इनको किसका रेजिस्टेंस है, रुकावट किसकी है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स की। फाइन? जबकि यहां आयन्स को खुद के मतलब खुद के ही दूसरे आयन्स की, यानी कि सल्यूट को सल्यूट पार्टिकल्स की, इवन सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, इवन सल्यूट की सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन, हर तरीके की रेजिस्टेंस है। फाइन? रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स, जबकि यहां क्या है, मतलब इलेक्ट्रो आयंस के लिए क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। फाइन? एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन, चाहे वो सॉल्यूट की सॉल्वेंट के साथ है, सॉल्यूट की सॉल्यूट के साथ है, सॉल्वेंट की सॉल्वेंट के साथ है, वो इसके लिए क्या है, हार्मफुल है, वो इसको ट्रेवल नहीं करने देगा। आयंस में किसी भी तरीके की रुकावट आ गई बीच में तो उसे ट्रेवल नहीं करने देगा। फाइन? सो अल्टीमेटली यहां पे हम क्या लिखेंगे कि रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ, मैं लिख देता हूं उसे, सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शंस, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, इन तीनों के कारण भी। इसको पढ़ेंगे डिटेल में अभी दो मिनट के बाद, ये डिफरेंस खत्म हो जाए। सल्यूट का सल्यूट के साथ, सल्यूट का सॉल्वेंट के साथ, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ अगर इंटरेक्शन होगा तो वो यहां आयन को मूव नहीं करने देगा। इज दैट क्लियर? जबकि यहां सिर्फ तब रुकावट है अगर ये पॉजिटिव चार्ज कर्नल अपनी जगह पे हिलने लग जाए ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देंगे। ये इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे फ्लो करना चाहता था, ये पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पे ज्यादा हिलेगा ना तो वो मूव नहीं करने देगा। क्लियर? ये बात हम सॉलिड स्टेट में भी क्लियर कर लेते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहता है और पॉजिटिव चार्ज कर्नल अपनी जगह पे ज्यादा हिलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं होने देता। यहाँ रेजिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज कर्नल के कारण है, जबकि यहाँ सॉल्यूट 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 सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के कारण है। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहां रेजिस्टेंस बढ़ता है। फाइन? रीजन समझेंगे क्यों। देखो टेम्परेचर के बढ़ाने से अल्टीमेटली ये पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स ज्यादा जल्दी से मूव करने लग जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? टेम्परेचर के बढ़ाने से पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स की हिलजुल जो है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देते। क्लियर? जबकि यहां टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस हो जाती है कम, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से यहाँ जो आयंस की काइनेटिक स्पीड है, या बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या हो गई, बढ़ गई। टेम्परेचर के बढ़ाने से जो इंट्रैक्शंस हैं वो कम हो गई हैं, चीजें खुल गई हैं,
जिसके कारण अब आयन को ट्रैवल करना रिलेटिवली ज्यादा आसान है, बिकॉज उसकी जो काइनेटिक पावर है या काइनेटिक शक्ति है वो बेसिकली क्या हो गई है, बढ़ गई है। इज दैट थिंग क्लियर? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं जिसके कारण कोई मास या कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा, पर पॉजिटिव चार्ज कर्नल रेजिस्ट करते हैं जो कि टेम्परेचर के साथ ज्यादा स्पीड अप हो जाते हैं, जिसके कारण कंडक्टेंस कम हो जाती है। क्लियर? रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और कंडक्टेंस कम हो जाती है। हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे कंडक्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर आयन मूव कर रहा था, आयन मूव कर रहा है तो एक केमिकल चेंज लेके आएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन लेके आएगा, मास का ट्रांसफर कर देगा क्योंकि एनोड से रिलीज होगा, कैथोड पे डिपोजिशन होगा। एंड किसी भी तरीके की अगर उसको इंट्रैक्शन है किसी भी चार्ज से, किसी भी सॉल्वेंट पार्टिकल से, तो वो उसे ट्रैवल नहीं होने देगा। एंड लास्ट इज, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक स्पीड ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण उसे ट्रैवल करना आसान है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगी। Is that thing clear? कोई भी दिक्कत? Fine. अब हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की जिसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड कर रही है, एंड देन हम इसको नमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब बेसिकली फॉर्मूला बनाएंगे कंडक्टेंस का। कोई दिक्कत? क्लियर? लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। कौन सी? हमें बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से मायने है। क्लियर? सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शंस। क्लियर? द वेरी फर्स्ट इज सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शंस, यानी कि इसको मैं इंटरआयनिक इंटरेक्शंस भी बोल सकता हूं। फाइन? या देखिए, कोई भी सल्यूट है, सपोज जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में NaCl था या कॉपर सल्फेट है, कुछ भी है। अब कॉपर का आयन भाई ट्रेवल करना चाह रहा है, तो सल्फेट का आयन नेगेटिवली चार्ज है। देखो, कॉपर सल्फेट पूरा एक सल्यूट ही है, कॉपर प्लस टू आयन भी सल्यूट का ही पार्ट है, सल्फेट माइनस टू आयन भी सल्यूट का ही पार्ट है। क्लियर? इंटर आयनिक से मतलब क्या है, दो आयन के बीच में। देखो, अगर एक आयन ने दूसरे आयन को मूव ही नहीं होने दिया, सपोज एक आयन ने दूसरे आयन को खींच रहा है, दो आयन के बीच में इंटरेक्शन जो है वो काफी ज्यादा है, तो वो एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, मूव नहीं होने देंगे, मूव नहीं होने देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। इज दैट थिंग क्लियर? यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं कि अगर इंटरआयनिक अट्रैक्शंस ज्यादा होंगी तो फोर्स इन विच दे आर होल्डेड वो ज्यादा होंगे। अगर फोर्स जिससे वो ज्यादा पकड़े हुए हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, और कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। इज दैट थिंग क्लियर? एंड कब वो एक दूसरे को ज्यादा पकड़ेंगे, कब इंटरआयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, जब उनका चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा वो एक दूसरे को ज्यादा पकड़ेंगे, जितना ज्यादा पकड़ेंगे उतना ट्रैवल नहीं होने देंगे, जितना ट्रैवल नहीं होने देंगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा कंडक्टेंस कम आएगा। इज दैट थिंग क्लियर? सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। फाइन? जिसको बेसिकली हम सॉल्वेशन या हाइड्रेशन भी कह सकते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन के जरिए याद करिए इसे यार, एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, बहुत बार पढ़ा है हमने,
इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो आप, लिथियम प्लस एंड सीजियम प्लस, कुछ याद है? लिथियम प्लस देखो छोटा बंदा है, बहुत छोटा बंदा, एक ही शेल है उसके पास, और सीजियम प्लस तो काफी बड़ा बंदा है यार, उसके हिसाब से पांच शेल है उसके पास, छह थे देखो एक गया, लिथियम में दो थे एक गया, क्लियर। अब हम हमेशा ना एक बात करते होते हैं इनकी मोबिलिटी, किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, हम हमेशा कहते हैं लिथियम आयन की मोबिलिटी सीजियम प्लस से ज्यादा है, इजंट इट? पर इसकी ना एक केस आता होता है कि मोबिलिटी इन वाटर, तो हम कहते हैं कि हाइड्रेटेड सीजियम से कम मोबाइल है। ऐसा क्यों होता है? देखो हम कहते हैं लिथियम जो है ना वो छोटा है, जितना छोटा है उसके आजू बाजू पानी जो है ना वो ज्यादा आके लग जाता है, वो जो सॉल्वेंट है वो आजू बाजू ज्यादा आके लग जाता है, ज्यादा लग जाने के कारण अब वो लिथियम को ट्रेवल नहीं होने दे रहा। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एक ए बंदा है काफी हल्का बंदा है, बी बंदा है काफी भारी बंदा है, ठीक है ना, और दोनों को यार 100 100 किलो का भार उठा के भागना है, कौन भाग सकेगा? अगर सिंपली लगाए तो जो हल्का बंदा वो तेज भाग सकता है, पर अगर अब 100 100 किलो का भार उठा के भागना है तो यार ए तो उठा ही नहीं पाएगा, भागेगा कहां से? ए के लिए तो वो 100 किलो का वजन उठाना ही मुश्किल है, जबकि बी उसे उठा के भाग लेगा। याद आया कंसेप्ट? वही कंसेप्ट हमें यहां पे लगाना है, हाइड्रेटेड लिथियम प्लस इतनी तेजी से मूव नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि लिथियम जो है वो ज्यादा हाइड्रेट हो जाता है, जितना छोटा साइज होता है ना उसका न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन करता है, जितना छोटा साइज होता है उसका न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन करता है, तो पानी को सारा खींच लेता है, हाइड्रेशन ज्यादा कर लेता है, यानी कि मैं कह सकता हूं स्मॉल साइज हाइड्रेशन को बढ़ा देता है, स्मॉल साइज हाइड्रेशन को बढ़ा देता है एंड हाइड्रेशन मोबिलिटी को घटा देता है। मोबिलिटी घट जाना मतलब मूव नहीं करेगा, उसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, कंडक्टेंस को घटा देता है। इज दैट थिंग क्लियर? जितना छोटा साइज होता है, लिथियम छोटा साइज भाई, उसके आजू बाजू ज्यादा पानी लग जाता है, सीजियम के आजू बाजू इतना पानी भी नहीं लगता, यानी कि हुआ क्या, मोटे बंदे को कम भार उठा के भागना है, छोटे बंदे को ज्यादा भार उठा के भागना है, तो भाई छोटा तो गया, क्लियर? इसीलिए लिथियम जो अकेला तो बहुत तेज मूव कर सकता था, पर हाइड्रेटेड लिथियम जो होता है वो इतना तेज मूव नहीं कर सकता। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत? सो ये बेसिकली इसका एक एग्जांपल है जिसे हमने ये बात समझ ली है कि जितना सॉल्वेंट इंटरेक्ट करेगा सल्यूट के साथ उतना मूव करना क्या हो जाएगा? मुश्किल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट मूव टू द पॉइंट नंबर 3, यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सो थर्ड है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जिसको हम बेसिकली विस्कोसिटी कहते हैं, क्लियर? मैं यार इसको बड़े सिंपल से तरीके से कहता हूं, सपोज आपको यार यहां से किसी पास वाले चौक पे जाना है, क्लियर? अब आपको अपने जैसे लोगों के साथ, यानी कि अगर आप एक सॉल्यूट पार्टिकल हो, आप एक आयन हो जो चार्ज कैरियर है, जो मूव होना चाहता है, क्लियर? आपको आपके किसी आयन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? सपोज वैसी कोई इंटरेक्शन आपको तंग नहीं कर रही है, पर रास्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है, ठीक है ना? रास्ता इतना ज्यादा कंजेस्टेड है, भीड़ बहुत ज्यादा है, आप कब आसानी से उस चौक पे पहुंच सकते हो? जब सारी सड़कें खाली हैं, या जब सारी सड़कें पूरी भीड़ लगी हुई है, तो आप डेफिनेटली यार आप दो घर क्रॉस नहीं कर सकते, चौक पे कहां से पहुंचोगे? क्लियर? तो बड़ी सिंपल सी बात है, आयन जो मूव करना चाहता था वो जो जिस सॉल्वेंट में डाला गया है, जिस चीज में वो डाला हुआ है सॉल्वेंट में, अगर वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के अंदर भी काफी ज्यादा इंट्रैक्शन है, ठीक है ना? विस्कोसिटी का मतलब क्या है? वो जो सॉल्वेंट है उसके अंदर फ्लूडिटी नहीं है इतनी, वो काफी विस्कस है, इतना विस्कस इतना गाढ़ा है कि वो सल्यूट को मूव ही नहीं होने दे रहा,
वो हमारे आयन को मूव नहीं होने दे रहा। क्लियर? जितना ज्यादा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगी, सपोज यार मतलब एक एक बात तो आयन किसी पानी के सोल्यूशन में है और एक किसी पूरे गाढ़े सोल्यूशन में है। आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोच के देखो, कब वो ज्यादा अच्छे से ट्रैवल कर पाएगा? डेफिनेटली जब वो गाढ़ेपन में नहीं है, क्योंकि गाढ़ेपन में तो उसे निकलने का मतलब उतना ईज ही नहीं मिलेगा। क्लियर? इतनी आसानी से वो निकल ही नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली जितना ज्यादा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा, उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, और जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा उतना कंडक्टेंस कम आएगा। इज दैट क्लियर? जब यार गाढ़ेपन के कारण आप मूव ही नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस ज्यादा, कंडक्टेंस क्या है कम। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट दैट ऑन विच द फैक्टर ऑफ कंडक्टेंस डिपेंड्स इज टेम्परेचर। बहुत तगड़ी चीज है यार टेम्परेचर। पहले भी बात कर चुके हम, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, कंडक्टेंस क्या होगा? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा आने पे चीजें कम विस्कस हो जाएंगी। क्लियर? या टेम्परेचर ज्यादा आने पे आयन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण वो अब तेजी से मूव कर सकता है। क्लियर? सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन, टेम्परेचर आने से इंटरेक्शंस क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो वो आयन ज्यादा तेजी से मूव कर सकता है। ज्यादा तेजी से मूव कर सकता है तो कंडक्टेंस क्या है ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या है कम, कोई दिक्कत। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो तो हाई रेजिस्टेंस वाली चीज है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां रेजिस्टेंस क्या है। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आपने 100 सॉल्यूट के आयंस लिए जो चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करने चाहिए थे, पर उसमें से सिर्फ 10 ही टूटे, वो जो 90 रह गए। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो फुली डिसोसिएट ही नहीं करता। ऐसे 100 पार्टिकल जो आगे आयंस में टूटे ही नहीं, जब वो आयंस में टूटे नहीं तो फिर वो सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, जो टूटे हुए उनको डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करेंगे। होता ना जैसे क्लास में वैसे 10 बच्चे जिनको पढ़ना ही नहीं है, तो वो करेंगे क्या, वो जो पढ़ रहे होंगे उनको तंग ही करेंगे। क्लियर? तो अल्टीमेटली वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या चीज है, ऐसे वो पार्टिकल्स जो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हुए वो अल्टीमेटली आपके लिए रेजिस्टेंस है। क्लियर? तो ये हाई रेजिस्टेंस चीज बन जाएगी, तो कंडक्टेंस कम होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट में। दो रीजन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो यार चार्ज कैरियर आयंस भी कम होते हैं, जब 100 में से टूटे ही 10 अपने आयंस में तो वो 10 ही ट्रेवल करेंगे, जबकि स्ट्रॉन्ग में तो सारे टूट जाते हैं सारे ट्रेवल करेंगे। और ये भी बात है, जब सारे ही टूट गए हैं तो वो जो बचे हुए 90 हैं वो तो है ही नहीं है। यहां पे जब सारे इंटेलिजेंट है तो वो एक दूसरे को कंपीट करेंगे रदर देन तंग करने की बजाय। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस भी ज्यादा है, टूट भी ज्यादा रहे हैं, एंड तंग करने वाला फैक्टर भी नहीं है। क्लियर? तो अल्टीमेटली यहां रेजिस्टेंस क्या है कम और कंडक्टेंस क्या है क्लियर, कोई भी दिक्कत। ये जो पार्ट था दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जिसमें हमने सल्यूट का सल्यूट के साथ सल्यूट का सॉल्वेंट सॉल्वेंट का सॉल्वेंट टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करी। क्लियर? कि कैसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट डालते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट अब हम इसको थोड़ा सा इक्वेशन वाइज बना के देखते हैं कि क्या इसका न्यूमेरिकल अप्रोच बनाया जा सकता है। तो उसके लिए हमें 5-7 डेफिनेशंस पढ़नी होंगी, तो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन पार्ट। बहुत ही ज्यादा आसान है। क्लियर? तो सारी डेफिनेशंस के बाद इनके न्यूमेरिकल्स भी काफी ज्यादा आसान है। सो नेक्स्ट मूव टू द सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। सो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में सबसे पहला जो है वो है रेजिस्टेंस।
हम फिजिक्स पे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है ना, पर वही चीज है, क्लियर। बहुत ही ज्यादा आसान है, आप लोग काफी बार पढ़ चुके हो। रेजिस्टेंस क्या है? फ्लो ऑफ करंट को आने वाली रुकावट। फाइन, सो इट इज द मेजरमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट, करंट का जो फ्लो है उसको कितनी रुकावट आ रही है, इस चीज का जो मेजरमेंट है उसे क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अपने आप में रुकावट का दूसरा नाम है, क्लियर। तो रेजिस्टेंस हम कहां से निकालते हैं? V अपॉन I, कहां से आया हुआ ये? वी ऑल नो दैट दिस इज फ्रॉम ओम्स लॉ, कोई भी दिक्कत, क्लियर। एंड रेजिस्टेंस का हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है, दैट इज दिस इज रो एल बाय ए, क्लियर। वेयर रो, रो क्या चीज है? रो इज रेजिस्टिविटी, फाइन। इसका एक और नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्लियर। एल क्या है? उन इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच का प्रेजेंट लेंथ, क्लियर। एल क्या है? लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। एल इज लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। एंड ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रोड्स की जो प्लेट्स लगी हुई हैं उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? एल उनके बीच की लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एंड इस एल अपॉन ए को हम क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट, कोई भी दिक्कत, क्लियर। सो सेल कांस्टेंट का एक और भी सिंबल है जिसको हम बोलते हैं जी स्टार, यानी कि एल अपॉन ए इज ऑल्सो नोन एज जी स्टार, क्लियर। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो सेल कांस्टेंट का जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। हालांकि जिसको मैंने टिक लगाया है ये एसआई यूनिट है, मीटर इनवर्स इज द एसआई यूनिट फॉर सेल कांस्टेंट, क्लियर। अगर हम बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, ठीक है ना, तो हाउ वी विल डिफाइन इट एज रो, यही हुआ ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। तो कैसे हम डिफाइन कर देते हैं ये डेफिनेशन? वही जैसे कल किया था ना, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वन, लेंथ इज वन, याद है ना वो डेफिनेशन किस तरीके से लिखते हैं? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी एक्चुअली में वो रेजिस्टेंस ही है जब आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? वन है, और लेंथ क्या है? वन। तो रेजिस्टिविटी क्या है? इज रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ इज वन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वन, ये सेंटीमीटर लिख लो, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। कोई भी दिक्कत, इनको डेफिनेशन को आप सिंप्लीफाई करके नीचे नीचे लिखते जाना। आर बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ करंट को आने वाला ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, ठीक है ना। ये क्या है? रुकावट है वो। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ओम्स लॉ से हमारे पास आया हुआ है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए भी है, एल लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स है, ए उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो इलेक्ट्रोड्स की प्लेट्स एक दूसरे के पास है कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जब करंट फ्लो कर रहा है उनमें से। तो नेक्स्ट एल बाय ए को हम सेल कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, सेल कॉन्स्टेंट को जी स्टार कहा जाता है। इसका जो यूनिट है वो बेसिकली सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स बन गया है, क्लियर। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो बेसिकली क्या है? ओम।
क्लियर। एंड रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बन गया, देखिए रेजिस्टिविटी इस ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, डेफिनेटली ये ऐसा यूनिट है मीटर वाला। क्लियर, कोई भी दिक्कत, सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है, इसलिए मैंने एक ही में काफी कंपाइल कर दी है। डेफिनेशन तो आप भी पढ़ी है, तो यहाँ पे दो तीन डेफिनेशन हो गई है। कौन कौन सी, एक सेल कॉन्स्टेंट हो गया है यानी कि जी स्टार, एंड थर्ड इज रेजिस्टिविटी हो गया है। क्लियर, कोई दिक्कत, फाइन। तो ये आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, एंड सेल कॉन्स्टेंट जी स्टार इज इक्वल टू दिस, कोई दिक्कत। नेक्स्ट मूव टू द फोर्थ डेफिनेशन। फोर्थ जो डेफिनेशन है वो बेसिकली है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज जी, देखो जी स्टार अलग चीज थी, जी अलग चीज है। क्लियर, कंडक्टेंस। यार अभी काफी लेक्चर हो गया है, हम इसी बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि कंडक्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस से उल्टी चीज, जब कोई चीज फ्लो नहीं करेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा कंडक्शन कम, और जब वो फ्लो कर रही है तो क्या है, रेजिस्टेंस कम कंडक्शन ज्यादा। इसका मतलब कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर, सो जी बेसिकली क्या आ गया है, वन अपॉन आर। बथेरे तरीके हैं जिनसे मर्जी लिख लो, ये बेसिकली रो एल बाय ये भी एक फॉर्मूला बन गया है इसका। क्लियर, ये भी एक फॉर्मूला बन गया है। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस का उल्टा यानी कि ओम इनवर्स। क्लियर, ओम इनवर्स को हमें पता है कि क्या कहा जाता है, मोह, इससे उल्टा देखो MHO। क्लियर, एंड इसका ऐसा यूनिट क्या है, सीमेंस यानी कि S, ये इसका क्या है, फाइन। जिनको मैं टिक लगा रहा हूँ इनके क्या है, SI यूनिट्स, कोई दिक्कत। क्लियर, बड़ी सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, नॉट टेकिंग दैट मच टाइम, दैट्स व्हाई। सो फिफ्थ इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, और इसका जो सिंबल है वो है कुछ स्टाइलिश के है, समझ रहे हो, फाइन। इसको बोलते हैं कापा, फाइन, वो कपड़ों वाला नहीं, दिस इज के, कापा इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी। अब जैसे कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा है, वैसे ही कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का उल्टा है। क्लियर, तो कापा बेसिकली क्या है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के मैं सीधे लिख देता हूं, वन अपॉन क्या है, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या था, रेजिस्टिविटी था आर ए बाय एल, ये आ गया, दैट इज कापा। अब अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो ये क्या आएगा, वो इसके यूनिट्स चेक कर लेते हैं, ये बेसिकली आ जाएगा ओम इनवर्स, क्योंकि वन अपॉन रेजिस्टेंस का, एंड ये एल अपॉन ए का क्या आ जाएगा, या तो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर सीमन मीटर इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस या वन अपॉन रेजिस्टेंस का सीमन होता है, एंड एल अपॉन ए का मीटर इनवर्स आएगा, एंड ये इसका SI यूनिट है। क्लियर, कोई भी दिक्कत, एक बार और देख लीजिए, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट है। क्लियर, एंड अगर आपको ये डिफाइन करना हो तो क्या करोगे, इफ यू वॉन्ट टू डिफाइन दिस, तो ये क्या आएगा, देखो डिफाइन करने के लिए इसको ना ऐसा किया जा सकता है, के इज इक्वल टू, या कापा इज इक्वल टू वन अपॉन रेजिस्टेंस को मैं लिख लेता हूं जी एल बाय ए, लिख सकता हूं ना, वन अपॉन रेजिस्टेंस को मैं जी लिख रहा हूं, तो ये कैसे लिखा जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस व्हेन
मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एल इज वन, ए इज वन, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज वन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वन. क्लियर? इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है हमारे पास, उसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो वन आ रहा है, जिसके बीच में कंडक्शन, देखो जहां कंडक्शन हो रहा होता है ना वहां का एरिया मैटर करता है, वो जो एरिया अगर वन आ रहा है, लेंथ उनके बीच की वन आ रही है, तो कापा एक्चुअली में कंडक्टेंस ही होता है. एंड ये हमने यहां से डिराइव करके बना लिया है. क्लियर? तो यूनिट्स हो गए हैं. नेक्स्ट, ये जो कंडक्टिविटी है ये दो और फॉर्म्स में भी लिखी जा सकती है. नेक्स्ट मूव टू दैट टू फॉर्म्स, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. लेट्स हैव द सिक्स्थ एंड सेवन्थ डेफिनेशन. सो सिक्स्थ इज मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी. देखो जब मोलर लग गया तो इसको कोई फर्क नहीं है, बेसिकली हम इसको कुछ इस तरीके से बताते हैं, दैट इज लैम्बडा एम. क्लियर? तो मोलर कंडक्टिविटी नाम से क्लियर है, मोलर यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. एक मोल के इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है उसे मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं. अब बड़ी सिंपल सी बात है यार, सपोज आपके पास 30 रोटियां और 10 बंदे हैं, मैंने बोला एक बंदे ने कितनी खाई, तो कैसे निकलेगा 30/10? कैसे किया आपने? जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालना था, एक बंदे के रिस्पेक्ट में निकालना था, आपने नंबर ऑफ पर्सन से क्या कर दिया, डिवाइड 30/10. वैसे ही अगर आप एक मोल के लिए निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ मोल से क्या कर दोगे, डिवाइड. यानी कि मोलर कंडक्टेंस क्या आएगा, कितनी कंडक्टिविटी है डिवाइड बाय मोलैरिटी, डिवाइड बाय मोलैरिटी. अगर हम यहां पे देखें, देखो वैसे तो ये फॉर्मूला है, इसमें कोई मतलब किसी भी तरीके के चेंज की जरूरत नहीं है, पर एक बात का ध्यान रखना होता है यहां पे कि इसके यूनिट्स क्या है और इसके यूनिट्स क्या है. क्लियर? जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए, ये सबसे ज्यादा होने वाली गलती है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, सबसे ज्यादा अगर गलती होती है ना तो इसी बात के अंदर होती है, यूनिट्स के अंदर. अब जब यूनिट पे ध्यान नहीं देते ना तो 10 की पावर में गलती आती है. मैं हमेशा बता दूं 10^3 की हमेशा गलती रहती है अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो. क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान कैसे देना है कि सपोज कापा जो है, हमने अभी अभी हमने कापा सॉल्व किया था, क्या बना था, सीमन अपॉन मीटर इनवर्स. ठीक है ना, कापा क्या बना था, सीमन अपॉन, मैं दो तरीके से करके दिखा रहा हूं, सीमन अपॉन मीटर इनवर्स. ये क्या होता है, मोल अपॉन लीटर. मोलैरिटी क्या होता है, मोल अपॉन लीटर. मैं इस लीटर को यहां ले जाता हूं, इस मीटर को यहां ले आता हूं. क्लियर? अब अगर लीटर को भी मीटर में चेंज करना है तो 10^-3 मीटर क्यूब होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10^-3 मीटर क्यूब होता है. तो ये आ गया अपॉन मोल मीटर आ गया, यानी कि आंसर क्या बन गया, लैम्ब्डा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन मोलैरिटी अपॉन 1000. अगर आप फाइनल आंसर सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में करना चाहते हो तो, अगर आप अपना फाइनल आंसर, ये तो मैं वही लिख रहा हूं दोबारा, इस पर्टिकुलर यूनिट्स में करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा. एक और चेंज करके दिखाता हूं, लैम्ब्डा एम इज इक्वल टू, सपोज मैंने इसे सीमन सेंटीमीटर इनवर्स लिया एंड यहां पे मैं मोल अपॉन लीटर इनवर्स ही ले रहा हूं. क्लियर? तो वैसा ही करता हूं, ये लीटर को मैं ऊपर ले जाता हूं, इसको मैं नीचे ले आता हूं. अगर लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो 10^3 सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 10^+3 सेंटीमीटर क्यूब होता है. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है.
ये क्या बन गया, ये बन गया लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन मोलैरिटी इन 2000। अगर आप आंसर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में करना चाहते तो भाई सब कुछ कहाँ टिका हुआ है, सब कुछ टिका हुआ है इस कापा के ऊपर। भाई यूनिट ध्यान रखना पास, क्योंकि यूनिट इकलौती ऐसी चीज है जो इसमें दिक्कत कर सकती है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, फॉर्मूला तो देखो यही है, इसके दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ये तब यूज करना है अगर कापा जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यानी कि सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है। यहां जो है वो कापा सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में है, एंड यहां जो है वो कापा सीमन मीटर इनवर्स में है। क्लियर? तो ये तब यूज करना है, ये तब यूज करना है, एंड फाइनल आंसर यहां पे सेंटीमीटर की फॉर्म में आएगा, यहां फाइनल आंसर मीटर की फॉर्म में आएगा। अगर कापा मीटर में दिया हुआ है तो ये वाला पुट करके एंड में मत सोचना कि मैं सीधा आंसर कर लूंगा, सही नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दो पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं एक ही चीज की, मोलर कंडक्टेंस की। चाहे ये फॉर्मूला चाहे ये फॉर्मूला, एक्चुअली में ये फॉर्मूला है, एक्चुअली में ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, पर दो अलग अलग फॉर्म्स में जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिट, बिकॉज यूनिट ही सब कुछ है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट मूव टू द डेफिनेशन नंबर 7, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को यार अपन यही चेंज कर लेते हैं, मैं मोलर को इक्विवेलेंट लिख लेता हूं, अगर ज्यादा दिक्कत नहीं है तो इसको भी इक्विवेलेंट कर लेता हूं, एंड क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड मोलैरिटी की जगह क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी, एंड मोल की जगह क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट। यहां भी क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट। यहां भी क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट, एंड मोलैरिटी की जगह क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी। क्लियर है ना? सिमिलरली यहां पे है, मोल की जगह क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट अपॉन लीटर होता है इसका यूनिट। यहां भी क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट, एंड यहां क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी, एंड द फाइनल आंसर इज सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। फाइन, स्मार्ट वर्क, सेव द टाइम, आप दोबारा लिखना, ठीक है ना? फाइन, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये रह गया, ठीक है ना, नुकसान ऑफ बीइंग स्मार्ट। क्लियर? तो लैम्डा ई क्यू कंडक्टिविटी ए इक्विवेलेंट की। क्लियर है ना? अगर आपको इक्विवेलेंट निकालने हैं तो क्या करना होता है, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। क्लियर? सो दिस इज एक इक्विवेलेंट की जो कंडक्टिविटी है, दैट इज कापा अपॉन नॉर्मेलिटी, एंड अगेन यहां पे जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है यूनिट्स। क्लियर? आप कापा के यूनिट के ऊपर जरूर ध्यान देना कि वो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में है या सीमन मीटर इनवर्स में है। क्लियर? कोई भी दिक्कत? फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इसके बेसिस पे कुछ मतलब बेसिकली न्यूमेरिकल करके देखते हैं कितनी चीजें हो गई हमारी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सेल कांस्टेंट, एंड देन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एंड मोलर कंडक्टेंस। सो सेवन थिंग्स हो गई हैं, इनके सबके सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं, तो इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल ट्राई करके देखते हैं। लेट्स हैव इट द फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हमें दी हुई है 0.1 मोलारिटी एसिडिक एसिड की, ये यूनिट पे ध्यान देंगे। क्लियर? सेल कांस्टेंट हमें यानी कि इसका जी स्टार कैलकुलेट करना है, एंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। क्लियर? तो काफी ज्यादा सिंपल यार, क्या हमारे पास फॉर्मूला था, कापा इज इक्वल टू 1/r a/l, यही था। अगर हम इस चीज को देखें तो ये हमारे पास क्या थी, बेसिकली जी स्टार। तो कापा इज इक्वल टू क्या है, 1/r × g*, इजंट इट? तो जी स्टार हमारे पास क्या आ गया, कापा इंटू आर। तो देखिए कापा कितना है, 1.29 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट बहुत जरूरी है यार, यूनिट बहुत जरूरी है। क्लियर? रेजिस्टेंस 100 ओम, तो
ये 100 into 1.29, this is 129 सीमन तो ओम इनवर्स ही होता है, तो वी आर लेफ्ट विद सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि बी इज द आंसर। कोई दिक्कत, बहुत ही ज्यादा आसान है यार, फॉर्मूलों में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, मतलब सीधा डायरेक्टली पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली चीज है, ठीक है ना। फाइन, तीन चार चीजें दी होती हैं, एक चीज निकालनी होती है, दोबारा बोलते हैं, काफा दिया हुआ था यहाँ पे, रेजिस्टेंस दिया हुआ था एल अपॉन ए, कैलकुलेट करना था, सिंपल कैलकुलेशन इट इज। फाइन, लेट्स हैव अनदर न्यूमेरिकल, थोड़ा सा और टफ करते हैं इसे। सो नेक्स्ट वी हैव रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलैरिटी केसीएल, हमें दिया हुआ है 2.5 * 10 पर -3 ओम सेंटीमीटर, हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। फाइन, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर हम लैम्डा एम देखें तो ये क्या है, कापा अपॉन मोलैरिटी, एंड व्हाट वी नीड इज कापा हियर, मोलैरिटी तो हमें दिया हुआ है, क्लियर, कापा चाहिए, तो कापा बेसिकली आएगा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी से, अब रेजिस्टिविटी कितना है, रेजिस्टिविटी है 2.5 * 10 -3 ओम सेंटीमीटर, यहां पे पुट करेंगे 1/2.5 * 10 -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर, तो ये कितना आ गया 10^3/2.5 ओम इनवर्स, को मैं सीमन लिख सकता हूँ सेंटीमीटर इनवर्स। यार इस चीज को देखना है, याद है हमने अभी अभी बात करी थी मोलर कंडक्टिविटी निकालते टाइम, इस चीज को देखेंगे, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 वाला। फाइन, एंड आंसर फाइनली किस में लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्लियर, एंड कापा यहाँ पे क्या आ गया है 10^3/2.5 × 1000 अपॉन मोलैरिटी कितनी है 0.8, क्लियर, सो ये बेसिकली 10 × 10^5/2.5 × 0.8, ये 4 आ गया है, ये 5 आ गया है, 5 × 10^5 आ गया है, क्लियर, एंड व्हाट द फाइनल इज सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आंसर से ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको ये 1000 समझ आया, मैंने बोला था कापा का जिस हिसाब से यूनिट आएगा हम उस हिसाब से ही वैल्यू लेते हैं, डेफिनेशन नंबर 6 में हम ये बात पढ़ के आए हैं कि जिस हिसाब से कापा आएगा उस हिसाब से ही हम लैम्डा एम में मल्टीप्लाई बाय 1000 लगाना है, डिवाइड बाय 1000 लगाना है, कुछ भी नहीं लगाओगे तो फिर आंसर कापा सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में रह जाएगा, ये मोल अपॉन लीटर में रह जाएगा। फाइन, हम ये इसीलिए करते हैं क्योंकि सेंटीमीटर और लीटर हम दोनों नहीं रखना चाहते, क्लियर, इस बात के लिए हम इसे सब्स्टिट्यूट कराते हैं, इज दैट थिंग क्लियर, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है इन द फॉर्म ऑफ सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कोई भी दिक्कत, क्लियर, तो किसी से भी यार किसी का भी क्वेश्चन निकालना आ सकता है। फाइन, तो मैं एक और करा देता हूँ, फाइन, देन वी विल सम अप द क्लास, लास्ट न्यूमेरिकल इज थोड़ा सा बाकियों से अलग है, लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट इज व्हेन अ सर्टेन कंडक्टिविटी सेल, देखो ये क्वेश्चन काफी बड़ा है ना, मेरे को तो सॉल्व करने के लिए जगह नहीं बची यहां पे, कोई बात नहीं कर लेंगे, व्हेन अ सर्टेन कंडक्टिविटी सेल वाज फिल्ड विद 0.01 मोलैरिटी केसीएल, जब इसके साथ भरा, इसकी रेजिस्टेंस 210 है, क्लियर, एंड व्हेन द सेम सॉल्यूशन इज फिल्ड, देखो इसका पहले मतलब समझो, इसका मतलब होता है सेल कांस्टेंट सेम रहना, क्योंकि उसी सॉल्यूशन में जब वो बोला जाए ना, इसका मतलब वही सारी चीज चल रही है, यानी कि सेल कांस्टेंट सेम है, यानी कि जी स्टार सेम होता है ना इनके लिए, इस लाइन का ये मतलब होता है, इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस NaOH इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 250, तो इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ KCl इज 700 ओम सेंटीमीटर, अगर रेजिस्टिविटी KCl की 700 ओम सेंटीमीटर है तो इसकी कंडक्टिविटी निकालिए, फाइन, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में कंडक्टिविटी निकालिए, यानी कि इसकी हमें पहले मतलब वही रेजिस्टिविटी निकालनी है, और उसके लिए सेल कांस्टेंट चाहिए, बड़ा सिंपल फंडा है, पहले तो केसीएल से हम सेल कांस्टेंट ही निकाल लेते हैं, क्योंकि केसीएल वाले के लिए हमें सब कुछ गिवन है ना, तो पहले तो यही कर लो, आर इक्वल टू क्या है रो एल बाय ए, ये क्या है जी स्टार, ठीक है ना, एंड आर को रो से डिवाइड करो, आर कितना है
210 KCl वाले के लिए कर रहा हूं पहले, ठीक है ना। R कितना है 210, रेजिस्टिविटी कितनी है KCl वाले के लिए 700। ये मेरे पास आ गया जी स्टार, यानी कि ये आ गया 0.3 यूनिट्स। आप मैनेज कर लेना है ना, ये यूनिट्स बेसिकली क्या बन जाएंगे इसके, ये यहां पे हमने सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएंगे, क्लियर। तो जी स्टार हमारे पास सेल कांस्टेंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें NaOH के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो NaOH के लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए रेजिस्टिविटी R A by L। तो इसका भैया रेजिस्टेंस है 250, ठीक है ना, एंड L by A का वैल्यू है 0.3, दिख रहा हो ना। L by A का वैल्यू मैंने उल्टा हिसाब से कर दिया, L by A का वैल्यू है 0.3, कोई दिक्कत, फाइन। अब ये तो मेरे पास रेजिस्टिविटी सॉल्व होके आ गया, चाहिए मेरे को क्या, चाहिए मेरे को कंडक्टिविटी, यानी कि चाहिए कापा। कापा क्या है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, यानी कि 0.3 अपॉन 250। अगर मैं यहां पे बात करूं, इसका यूनिट था ओम एंड ये था सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि सेंटीमीटर ये निकल गया था। अगर यहां पे करूंगा तो ये आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में, वाओ यही चाहिए था। This is final answer, 0.3 upon 250, कोई दिक्कत, clear? इसको आप मतलब basically वो fraction वगैरह के टर्म में भी कर सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आ जाएगा, 1.2 into 10 raised to power minus 3, fine, पता है कैसे किया, दोनों को चार चार से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको चार से मल्टीप्लाई किया 1.2 हो गया, इसको चार से मल्टीप्लाई किया 1000 10 raised to minus 3, कोई दिक्कत, clear? So this is ohm inverse centimeter inverse, कोई भी दिक्कत, क्लियर। देख लीजिए KCl से हमने सेल कांस्टेंट निकाल लिया, NaOH में जाके पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यार, सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, क्लियर। तो पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत है यू कैन डेफिनेटली फ्रीली कॉल मी, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा सा रह गया है, क्लियर। तो टिल देन पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।